ऑल राइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे कि एक पर्सन एक साथ कितनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। सो यार देखो, देर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बना सकते हो। अब इसके प्रोविजन समझ लो। प्रोविजन से इज दैट आर्टिकल 21 कहता है कि आपकी राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी, आप कुछ भी करो, आपको जो भी पसंद है, आप चिल करो, कुछ भी करो, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई लॉ पास ना होता हो या उसके अगेंस्ट कोई लॉ ना हो। अब देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्ट कोई है नहीं, अगर कल को बनाता है तो अलग बात है, अभी तक तो है नहीं। अगर सपोज कल को पार्लियामेंट लॉ बनाता है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्ट 2024, उसमें सेक्शन फलाना फलाना ये कहता है कि एक साथ एक बंदा एक गर्लफ्रेंड बनाएगा या फिर एक गर्लफ्रेंड एक लड़की एक साथ एक बॉयफ्रेंड बनाएगी, तब तो अलग बात है, ठीक है। अभी कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, आर्टिकल 21 गवर्न कर रहा है, तो कह रहा है कि आपकी पर्सनल चॉइस है, कुछ भी करो, चिल करो। सो आप एक साथ मल्टीपल गर्लफ्रेंड बना सकते हो। और ये वैसे उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में रहते हैं ना, भाई एक के पीछे मरे रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसने धोखा दे दिया और उनको बाद में लगता है कि मैं चीटिंग करूंगा तो ये हो जाएगा, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है, चिल करो। अभी कंसेंट की बात है, वो आपको आगे समझाता हूँ, क्लियर। तो कोई नहीं है, इट्स योर चॉइस। अब लड़कियों के लिए भी अप्लाई होता है, उसकी भी चॉइस है। रोडीज में कहता नहीं अभी इट्स हर चॉइस, तो भैया चॉइस आपकी। अब कुछ लिबरल लोग आ जाएंगे, भाई क्या समझा रहे हो, ये है वो है। तो यार देखो, जब एक बात हो, सात फेरे सगे नहीं हो रहे, तो तुम इनकी क्या वो कर रहे हो, समझ रहे हो। सात फेरे पंडित जी आते हैं, वो सात फेरे कराते हैं, देखा होगा आपने कि भाई सातों जन्म इसके साथ रहना, और किसी कोई होर की परी भी आ जाएगी तो भी तुम्हें देखना नहीं है, अपनी सारी सैलरीज को ला के देखना। कभी फेरे देखे होंगे आपने, सुने होंगे बैठ के, तो उसमें ये बोलते हैं, पर होते हैं ना, टूटते हैं फेरे। खूब देखे मैंने, भाई 12-13 साल बाद लड़कियों को दूसरे वो पसंद आ रहे हैं, जा रही हैं। जब एक बात हो, अडल्ट्री क्राइम नहीं है, तो ये सब करना क्या दिक्कत है। सो एज पर लॉ आप मैनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, मल्टीपल, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी। अब बॉयज़ के लिए स्पेशल चीज़ है, देखो तुम्हें बचाने के लिए। यार देखो, जो रेप केस होता है ना, मतलब कभी भी आप फिजिकल रिलेशन बनाओ ना लड़कियों के साथ, भाई गर्लफ्रेंड बाजी होगी तो ये सब होगा, तो बॉयज़ के लिए तो कभी ना, मतलब आप हमेशा कंसेंट का ध्यान रखना। जैसे मान लो अब लड़कियाँ क्या है, लड़के लड़की प्राइवेट रूम में जाते हैं, ओयो में जाते हैं, चॉइस तो लड़की की भी होती है, लेकिन फर्स्ट लड़का जाता, भाई इसने मेरे को कुछ पिला दिया था और मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे भाई, सबको पता है कि तुम खुद अपनी मर्जी से गई हो लाली, फिर तुमने सब कुछ किया है, फिर बाद में तुम प्रोविज़न ऐसे बड़ी लड़का फंस जाता है। अब प्रोविज़न फंसने से बचने के लिए पता क्या करना तुम्हें, तुम्हें क्या है, कंसेंट का ध्यान रखना है। जब कभी तुम फिजिकल रिलेशन बनाओ ना किसी के साथ या जो भी है, मिलना करो, तो उससे ना कंसेंट ले लो पहले फ़ोन पे, कि भाई हम ऐसे ऐसे ये सब करेंगे तो आप राजी हो, वो कहेगी हाँ जी राजी है, ये जो भी है मतलब, ठीक है। और कंसेंट जो होनी चाहिए ना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपके पास उसके प्रूफ है, उसको चुपचाप से लेनी है, यानी कि उसको बताना नहीं, चुपचाप से लेने हैं, भाई स्क्रीनशॉट या फिर कोई रिकॉर्डिंग हो कि भाई आज हम वहाँ जाएंगे, ये सब करेंगे, चुपचाप से, मतलब ये काम तुम्हें खुद करना है यार, ये कला है, ठीक है, खुद करना है, तब ताकि कल को आप रेप केस से बच सको। कल को वो ये कहे ना, भाई इसने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी, तो आप दिखा सको भाई इसकी कंसेंट थी, हालांकि कुछ मतलब तुम्हें थोड़ा कुछ तो डिफेंड हो, क्योंकि क्या है, रेप केस में जो डेफिनेशन होती है ना, वो ऐसे ही है कि फिजिकल रिलेशन, मतलब इसने इसके साथ फिजिकल बनाए विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट, अगेंस्ट हर विल कंसेंट, यही है। तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखना ताकि आपको दिक्कत ना हो, और एक साथ आप कितनी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो, ओके। और वैसे ये वीडियो उनके लिए थी जो डिप्रेशन में जाते हैं बेचारे, एक के लिए मरे जाते हैं, और फिर उनके लिए थी, पर आप इसका गलत फ़ायदा ना उठाना, ठीक है। एज पर लो तो यार देखो, बहुत चीज़ है, एज पर लो तो अडल्ट्री भी अलाउड है, पर है तो गलत ना वो। तो अब हमारा चैनल लॉ का है, तो हमें लॉ चीज़ें बतानी होती है, तो एज पर लॉ आप मल्टीपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हो एट ए टाइम, ओके। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है यार, एक बात हो, जब सात फेरे नहीं चल रहे तो ये क्या है, बस फिजिकल रिलेशन के लिए ध्यान रखना, समझ रहे हो। और भाई जैसे शादी का वादा, वो सब चीज़ें अलग है, मैं आपको बताऊँगा किसी और वीडियो में, मतलब शादी का वादा ना करना, बस वैसे कैजुअल होता है, जो कैजुअल वो आप कुछ भी कर सकते हो, चिल करो, ओके। सो कंसेंट का ध्यान रखना, आई होप इट इज़ क्लियर, बाय।